वालेकुम जी, थैंक यू। आप लोगों के तीन चार लोगों ने मेरी बात मानी पिछले व्लॉग में, तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। पूरे तीन तीन सब्सक्राइबर आए, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। और उन पूरे तीन सब्सक्राइबर का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मेरे चैनल को देखने की जसारत की, आपकी मेहरबानी, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो व्लॉग है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम सुजुकी बाइक एक और ख़रीद रहे हैं, तो उसका मोटो भी बताया था कि वो क्यों ख़रीद रहे हैं हम। तो आज हम वो बाइक लेने जा रहे हैं। पिछली व्लॉग में मैंने बताया था कि अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पर बाइक लेना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन मौका है, तो आप इंस्टॉलमेंट पर बाइक ले सकते हैं। तो इस वक्त हमारा 2-3 बजे का टाइम है, तकरीबन कोई 1:30 बज गया, हम निकलने लगे हैं। यहाँ से जाते हैं सुजुकी शोरूम में और आपको भी साथ साथ दिखाते हैं कि अगर आप लोग बाइक लेना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कितने पैसे एडवांस में देने पड़ेंगे, कितने साल का या माह का ये प्रोसीजर है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट प्लान ले सकते हैं, और इस पर मार्कअप कितना है। ये सारी बातें हम इस व्लॉग में आप लोगों को बताएँगे। चलें मेरे साथ और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हुसैन साहब मेरे साथ जा रहे हैं बाइक के लिए। हाँ जी, एक्साइटेड हो बाइक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलो लग जाता है, बता आज के मुंह पे क्या लगाया है बता। ठीक है, ये हंसता नहीं है क्योंकि इसके दांतों में हमने तार डाली हुई, दांत इसके बाहर आ जाते हैं, हमने पकड़ के रखे हुए ताकि बाहर ना निकले। हैं क्रीम नहीं है, क्रीम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बाइक मेरी तरफ से मैं हुसैन को गिफ्ट कर रहा हूँ, और इस वीडियो को आपके लिए फ़ायदेमंद बनाने के लिए जो लोग सुजुकी बाइक GS 150 या 110 लेना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगा कि आप शुरू में कितने पैसे देकर ये बाइक ले सकते हैं, और इसकी टोटल प्राइस भी बताएंगे, इसके लिए कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ग्रंटर के लिए कितने बंदों की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएँगे, और साथ साथ आपको इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो भी बताएँगे। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये बाइक हुसैन के लिए अल्लाह कारामत साबित करे और ये बाइक इसके लिए खुशियां लेकर आए। अल्लाह ताला इसको हर किस्म की प्रॉब्लम से, मुसीबत से बचाए, आमीन। जैसे हम सफ़र कर रहे थे मुझे एहसास हुआ कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो हमने पेट्रोल डलवाया। इस बंदे को बड़ी हंसाने की कोशिश की लेकिन ये गुस्से में था, शायद लड़ा हुआ था, हमें कहा जल्दी जल्दी पेट्रोल डालो हम निकलें। तो हमने पेट्रोल डलवाया, उस बंदे को बड़े हंसाने की कोशिश की और वो नहीं हंसा। तो ये हम शोकर खानम वाला पुल जो है वो क्रॉस कर रहे थे, तो यकदम मेरी नज़र पड़ी UCP की तरफ, लेकिन वहाँ पे ना मुझे कोई बंदा नज़र आया ना बशर नज़र आया। आप समझ तो गए होंगे। चलो खैर, आगे चलते हैं। तो जब हम इस चौक पे पहुँचे, इधर हर कोई अफरा तफरी में पड़ा हुआ था, इशारे का कोई ख्याल नहीं कर रहा था, तो ना कोई यहाँ पे वार्डन खड़ा था। तो मैंने हसैन को कहा कि क्यों हम भी यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं खड़े होकर, तो हम भी निकलते हैं। तो हम भी ज़िगज़ैग करते हुए गाड़ियों को बड़े गौर से देखते हुए निकल पड़े, और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो वो आपको पता है वहाँ पर टाउनशिप वाली साइड पर फ्लाईओवर बन रहा, तो हम बचते बचाते पानी से बचते बचाते शोरूम तक पहुंच गए। जी, हम शोरूम में पहुंच गए हैं, प्रोसेसिंग हो रही है बाइक की। शोरूम पे था रश, जिसको देख के पड़ गया हमें गश। तो थोड़ी देर बाद होश आया कि हम तो बैंक स्टेटमेंट लेके नहीं आए, लिहाजा फिर हम बैंक ढूंढने लग गए अपनी। और यहाँ से जितना रश आपको नज़र आ रहा है, दोनों तरफ गंदी गंद था और थोड़ा सा बारिश का पानी भी खड़ा था। फिर हमने अपनी बैंक ढूंढी, वहाँ से हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट ली, और बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद फिर हम वापस शोरूम में आए। और जब हम शोरूम में आए फिर रश था वहाँ पे, हमने कहा कि यहाँ तो फिर और रश है। लेकिन हमसे पहले जो लोग आए हुए थे उनके डॉक्यूमेंट्स भी मुकम्मल हो रहे थे। हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक दिन में ही सारा काम करना पड़ा, बाकी जो लोग हैं 2-3 दफ़ा आ चुके थे, हमने एक दिन में ही सारा अपना काम करवा लिया था। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे उनको प्रोवाइड किए, लेकिन एक इशू हुआ कि पहले वो चेक ले लेते थे कि सारे साल के या 2 साल के चेक दे दो हमें, तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए फिर उन्होंने ये बम फोड़ा
कि आपको हर महीने किस देने के लिए यहाँ शोरूम आना पड़ेगा। तो रश आपके सामने है, रश आप देख रहे होंगे, लोग धड़ाधड़ ये 110-150 बाइक्स इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। बाइक के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं सुजुकी शोरूम पे, लेकिन साथ बारिश भी आ गई है। अब देखें हमारा क्या हाल होता है। और इधर चीकड़ भी बहुत है, चीकड़ ये देखें, पहले ही बहुत चीकड़ है। हुसैन साहब बाइक पर बैठ गए और जिसकी वजह से इसकी बतीसी अंदर नहीं जा रही थी, बार बार हंसी जा रहा था। अब मैंने कहा निकलो अब चलो। तो बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा सहाना हुआ था और बाइक को बड़े आराम आराम से हुसैन चला रहा था कि गंदी भी ना हो, और लेकिन गंदी तो होनी थी। तो पहली दफ़ा बड़ी बाइक, नहीं बाइक तो ये मेरी भी चला लेता है, लेकिन बड़ी बाइक पर इस तरह सिटी के अंदर ये पहली दफ़ा चला रहा था। मौसम था आशिकाना, लेकिन मैं थोड़ा सा था परेशाना कि बाइक पीछे है और हुसैन पीछे है, रश में कहीं पीछे ना रह जाए। तो हमने बड़े एहतियात से मोटरसाइकिल चलाकर घर आ गए। ये देखिए जी, हुसैन साहब की बाइक नई, रात लेके आए थे तो बारिश हो रही थी, बहुत गंदी हो गई थी। तो सुबह सुबह उठ के ये दो रहा और मेरे वाली वो खड़ी है, ये खड़ी है। तो इसमें और उसमें फ़र्क थोड़ा सा बताते हैं आपको। 2023 ये सेम ऐसी लग रही है जैसे 125 होता है, लेकिन ये 150 GS 150 है और ये पुरानी वाली है। इसमें मॉडिफिकेशन भी हमने करवाई हुई है, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें लायरम है, ठीक है, उसमें लायरम नहीं है। उसमें जो टायर हैं वो तारों वाले हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। देखिए ना, इसमें लायरम है तो इसमें नहीं है। और दूसरा, इसमें ये ऊपर यहाँ पे इन्होंने ब्रेक ऑयल के लिए दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे नहीं है, इधर दिया हुआ है ब्रेक ऑयल के लिए। ये देखें, ये ब्रेक ऑयल के लिए दिया हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं इसमें, और इसकी आवाज़ में भी काफ़ी फ़र्क है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सुजुकी लिख दी है इन्होंने, तो उसमें शायद नहीं लिखा हुआ था सुजुकी, क्योंकि मैंने ये वाला चेंज कर दिया है। तो इसमें मैंने वो जब गेयर लगाते हैं ना, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आता है, इसको भी मैंने चेंज कराना है, मॉडिफिकेशन करवानी है इसकी। तो ये नई बाइक है, अच्छी है, खूबसूरत है, मुझे इस वजह से पसंद आई है कि इसकी आवाज़ जो है वो 125 की तरह है, यानी कि स्पीड वाली है। इसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, ये जो पुरानी वाली है ये 70-80 तक जाती है और आवाज़ काफ़ी देने लग जाती है। और ये वाली जो है 125 की तरह भागती है, अच्छी खूब भागती है ये। अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी आवाज़ वगैरह भी, और इसको चलाकर भी देखते हैं। अब आते हैं हम, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए हमें इसके लिए। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेनी है तो ये 3,64,000 रुपये की कैश पे बाइक है, 8,000 रुपये रजिस्ट्रेशन है, और 30,000 रुपये इसकी फाइल की फ़ीस है। वो तब लगती है जब आप इंस्टॉलमेंट पर लेते हैं। इन केस अगर आप इंस्टॉलमेंट पर नहीं लेते तो 3,64,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन का देना है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो आपको दो ग्रंटर चाहिए, दो ग्रंटर जो कि या तो बिज़नेस करते हों या तो सैलरीड पर्सन हो। सैलरीड पर्सन हो तो उनकी सैलरी स्लिप चाहिए होगी, तो अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, तो आईडी कार्ड चाहिए होगा, और जिसके नाम पे आपने बाइक लेनी है उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसकी कारोबार या सैलरी स्लिप, उसके बाद उसकी दो तस्वीरें, आईडी कार्ड, और फिर वहाँ पे साइन गुटे करते हैं, और जो जहाँ पे वो रह रहा है अगर रेंट पे रह रहा है तो उसका एग्रीमेंट, अदरवाइज़ वो बिल जो है बिजली का बिल वो देना पड़ता है। ये देखिए जी, ये हुसैन साहब आ गए। हुसैन साहब, आपने चलाई है मोटरसाइकिल, तो किस तरह की लगी आप? बहुत अच्छी, इससे ज़्यादा अच्छी लगी है, इससे अच्छी लगी है। हाँ जी, ये आवाज़, इसकी आवाज़ अच्छी है, ये इसकी आवाज़ किस तरह की आवाज़ है इसकी? 125 जैसी। देखिए, अभी ये यहाँ पर नहीं था तो अभी आया तो मैंने पूछा इसको 125 तरह इसकी आवाज़ है, बिल्कुल ऐसी लगती है 125 की तरह। ये सारी चीज़ें अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर लें और ले लें, आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें, इंस्टॉलमेंट पे ले लें ताकि इसमें मार्कअप नहीं है, 24 मंथ 18 मंथ। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि अगर आप 24 मंथ पर लेते हैं तो 30,000 रुपये फाइल की फ़ीस है, अगर आप 18 मंथ पर लेते हैं तो 18,000 रुपये फ़ीस है, अगर आप 12 मंथ पर लेते हैं तो फिर भी 18,000 रुपये फ़ीस है इसकी, वो फ़ीस कम हो जाएगी। आप 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो अभी हम इस बाइक का चेक करते हैं, ये साउंड चेक करें, उसका साउंड भी आ रहा है।
ये इसका साउंड चेक करें, माशाल्लाह ऐसे ही है जैसे बाकी बाइक का होता है। और ये मैं दरअसल जो मॉडिफाई जो मोटरसाइकिल है वो चलाता हूँ, तो उसके आगे सकरियाँ ये मुझे धोनी धोनी सी लग रही है। इसको मैं चलाता हूँ, देखता हूँ इसका किस तरह की ये ज़बरदस्त लग रहा है। इसकी आवाज़ में काफ़ी फ़र्क है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी वो टुक 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 वाली नहीं है, उसकी आवाज़ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, ठुक ठुक वाली है, 125 वाली। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के जो लोग मोटरसाइकिल के शौकीन हैं, जो इंस्टॉलमेंट पे सुजुकी बाइक लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी बना दी होगी, तो इन्फॉर्मेशन भी आपको मैंने काफ़ी दे दी है। तो अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, जाते जाते यार इस चैनल का भी ख्याल कर लें। अल्लाह हाफिज़।